कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 से मैं अजय सिंह आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी खबर आज लोहे बाजारों में निकल के आ रही है कि लोहे बाजारों में जो आपको बता देते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में लगातार जो बिजली की कीमतें जो बढ़ रही थी, इसकी वजह से सोमवार को रात 12 बजे से 200 स्टील स्पंज आयरन रोलिंग मिल के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टील स्पंज आयरन में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल एसोसिएशन का कहना है कि जब तक बिजली कीमतें नहीं कम हो जाती है तब तक आप देखेंगे तब तक कोई भी प्रोडक्शन दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री का बंद होने से सीधा असर लोहे इंडस्ट्री स्टील की कीमतों पर पड़ने का दावा किया जा रहा है। दो से चार दिन तक अगर ये बाजारों में बंद रहता है तो यहाँ से बाजारों में संभवतः 5-7% तक लोहे में की कीमतों में जैसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि बाजारों में एक बाउंस बैक आके बाजारों में एक तेजी बनती हुई देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि ये एक बड़ी खबर निकल के आई है आम आदमी के लिए। आप देखेंगे कि आप आम आदमी के लिए स्टील सरिया का भाव महंगा होगा, उनके लिए घर बनाना और महंगा हो जाएगा, और स्टील का प्रयोग आपको मालूम है कई चीज़ों में उपयोग होता है, ऐसे में महंगाई दर भी बढ़ जाएगी। फिलहाल अगर बात करी जाए तो सरकार इसके बारे में कोई भी सूचना फिलहाल नहीं आई है। रायपुर की अगर बात करी जाए तो रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में उन उद्योगों को सबसे पहले बंद किया जाएगा जो ज़्यादा बिजली खपत करते हैं। ऐसे में सोमवार की रात करीब 200 स्टील में स्पंज आयरन फैक्ट्रियां बंद की गई हैं। इसके बाद भी बात अगर नहीं बनी तो दूसरे चरण में 500 उद्योगों को और बंद किया जाएगा। उद्योगपतियों की मांग है कि बिजली कीमतें कम की जाए। उनका कहना है कि जब से बिजली के टैरिफ बढ़ाए गए हैं उत्पादन लागत काफ़ी बढ़ गई है। हर उद्योग 25 लाख से 2.5 करोड़ तक का अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ रहा है। इतनी कास्ट बढ़ने की वजह से दूसरे राज्यों में प्रोडक्शन की चुनौती लगातार बनी हुई है। अगर यही वजह से छत्तीसगढ़ के बाहर के कारोबारी राज्य में कारोबारी किसी तरीके का व्यापार नहीं कर रहे हैं, यह बड़ी एक विकट समस्या है। इस वजह से उद्योगपतियों ने बड़ा फैसला लिया है कि सरकार के में जो आपने देखा है जो प्लांट को बंद करने की कवायद करी है कि प्लांट बंद कर दिए गए। अगर देखा जा रहा है कि आप लगातार आप बाजारों में देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से ये जो बातें चल रही थी, 15 दिन से परेशानी झेली जा रही थी, और छत्तीसगढ़ मिनी स्टील स्पंज आयरन एसोसिएशन ने कहा है कि पिछले 15 दिनों में इस मुद्दों पे मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री लखनपाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कोई भी यानी कि मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद भी किसी ने भी उनकी नहीं सुनी है। अगर यूनिट की बात करी जाए तो 6-7.5 रुपए यूनिट की है। यहीं से विवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस सरकार में बिजली की लागत 6 रुपए यूनिट थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद इस पर 7.60 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ है। बताया जा रहा है पिछले साल 8-10 साल से बिजली की दरों में कमी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली विभाग में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करी गई है। अगर बात करी जाए कि जिंदल कंपनी को छूट क्यों मिल रही है, छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील एसोसिएशन के महासचिव संदीप धप्पड़ ने कहा है कि जिंदल स्टील पावर में 5 रुपए यूनिट की बिजली दे सकते हैं, लेकिन उद्योगों को क्यों नहीं। तो ये पार्शियलिटी सरकार की वजह से देखी जा रही है। तो बड़ी खबर निकल के आई है कि स्टील स्पंज और रोलिंग की 200 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इसका असर आपको लोहे की जो बाजारों में जो कीमतें हैं इस पर बढ़ने में सहायक हो सकती है। तो बड़ी खबर निकल के आई है, इसको आप समझ के बाजारों में आप अपनी रणनीति बाजारों में कामकाज करेंगे। वैसे रोजाना के रेगुलर वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो खबर में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।